थर्ड कंजक्शन है आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शंस आर यूज टू जॉइन टू सिमिलर ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस। दो एक से ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस को जोड़ते हैं, टू वर्ड्स दो वर्ड्स को, टू फ्रेजेस और टू क्लॉजेस। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस are used to join two similar grammatical constructions two words two phrases or two clauses जैसे कि example। तो इतना क्लियर कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शंस आर यूज टू जॉइन टू सिमिलर ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। दो सिमिलर ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन को जोड़ते हैं या दो वर्ड्स को जोड़ते हैं या दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स है, माय फ्रेंड एंड आई विल अटेंड the meeting, my friend and I will attend the meeting, मैं और मेरा दोस्त मीटिंग अटेंड करेगा। दो सेंटेंस को किसने जोड़ा? मुझे और मेरे दोस्त को, एंड ने। तो जो एंड है ये कंजक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ऑस्ट्रिया is famous for the beauty of its landscape and the hospitality hospitality of its people। क्या मान? ऑस्ट्रिया इज़ फेमस फॉर द ब्यूटी ऑफ इट्स लैंडस्केप। ऑस्ट्रिया जो है फेमस है उसके अपनी लैंडस्केप ब्यूटी के लिए। लैंडस्केप का मतलब हुआ, लैंडस्केप का मतलब हुआ भूदृश्य। एंड द हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं जो हॉस्पिटैलिटी ऑफ इट्स पीपल का मतलब हुआ वहाँ के जो पीपल, उनकी मेहमानदारी। जैसे कोई आता है तो हम उसकी मेहमानदारी जो करते हैं उसको बोलेंगे हॉस्पिटैलिटी। तो यहाँ पर किसने कंजक्शन कौन है? एंड है। इसने दो सेंटेंसेस को जोड़ा। और कोऑर्डिनेट कंजक्शंस चार तरह के होते हैं। दीज आर ऑल फोर टाइप्स। दीज आर ऑल फोर टाइप्स। पहला है
cumulative conjunction. दूसरा है एडवर्सेटिव कंजक्शन, तीसरा है अल्टरनेटिव कंजक्शन, चौथा है रिलेटिव कंजक्शन। ठीक, सबसे पहले आता है क्यूमुलेटिव कंजक्शन। व्हाट इज क्यूमुलेटिव कंजक्शन? फर्स्ट क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव कंजक्शन क्या है? इट एड्स टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट को जोड़ता है, जैसे कि एज वेल एज एंड बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, तो इट एड्स टू स्टेटमेंट्स टू स्टेटमेंट्स। एग्जाम्पल एज वेल एज एंड बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो etc. जैसे कि Ira as well as her brother went to jail. यहाँ पर हीरा एज वेल एज हर ब्रदर, मतलब हीरा और साथ में उसका भाई भी went to jail, जेल गए। हीरा एज वेल एज हर ब्रदर, हीरा और उसका भाई जेल गए। एज वेल एज मतलब हीरा के साथ उसका भाई भी। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल है not only Shyam but Ramesh also went to Agra. Not only Shyam, Shyam he nahi but Ramesh also went to Agra, Ramesh bhi Agra gaya. Second adversative adversative क्या है? It shows contrast and oppositions between contrast and opposition हुआ विपरीत और विरोध between two statements. example जैसे कि but yet का मतलब था फिर भी, still अभी तक, however, nevertheless,
only. Whereas it is. ठीक है, एग्जाम्पल है he was poor but honest. तो यहाँ जो कंजक्शन है क्या है बट, जैसे यहाँ पर क्या था एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो. ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल है I was upset. Still, I went with him. Still क्या कंजक्शन, I was upset. Still, I went with him. मैं upset था, फिर भी मैं उसके साथ गया. ठीक. नेक्स्ट आता है आपका थर्ड रिलेटिव, सॉरी अल्टरनेटिव कंजक्शन. अल्टरनेटिव कंजक्शन इट शोज एन अल्टरनेटिव और चॉइस बिटवीन टू स्टेटमेंट. ये दो स्टेटमेंट्स के बीच अल्टरनेटिव या चॉइस को दर्शाता है. It shows alternative or choice between two statements. Example or nor neither nor either or otherwise. Examples examples in skin neither I nor you can be blamed. ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल है walk quickly else we will miss the train. We will miss the train. ठीक है, या neither और नौ है यहाँ एक्स. नेक्स्ट फोर है इलेटिव कंजक्शन.
let it shows that one statement is inferred from another. Inferred का मतलब होता है, inferred का मतलब होता है अनुमति देना, ठीक है, inferred अनुमति देना. तो it shows that one statement is inferred from another, मतलब एक statement दूसरे को अनुमति दे रहा है. It shows that one statement is inferred from another. Example is therefore, so, hence, thus, it is. Examples are he was rich, so he could not come. Were rich था इस वजह से वो नहीं आया. रिच था ना, रिचनेस ने उसको अनुमति दी ना आने की. He was rich, so he couldn't come. सेकेंड एग्जाम्पल है शी वॉन्टेड स्वीट्स देयरफॉर शी वेंट टू मार्केट. उसे स्वीट्स चाहिए थे इसलिए वो मार्केट गए. देयरफॉर मतलब इसलिए. शी वॉन्टेड स्वीट्स देयरफॉर शी went to market.